नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज राजमा की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए आधा कप राजमा, इसे रात भर भिगोए हैं और धो के साफ कर लिए। अब सबसे पहले राजमा को कुकर में उबालेंगे। दो कप पानी डाल दिया है और ढक्कन लगा देंगे और 8 से 10 सीटी लेके गैस बंद कर देंगे। जब तक राजमा उबल रहा है तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए दो टमाटर, एक प्याज, एक हरी मिर्ची, दो लहसुन की कली और अदरक का टुकड़ा। इन्हें सभी को मिक्सी में पीस लेंगे, बारीक करके जार में डाल देंगे। ये सभी चीज जार में डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और फिर इन्हें पीस लेंगे। ये हमने सभी चीज पीस लिया। सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे, आधा बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया, आधे चम्मच जीरा डाल देंगे और गैस सिम कर देंगे और ये प्यूरी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया और मिक्स कर लेंगे। हमने राजमा उबाले थे, राजमा उबल गए हैं। अभी हम ग्रेवी में डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और इन्हें आप 10 मिनट तक उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। आप पतली गाढ़ी खाना चाहे उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे। ये हमारी राजमा की सब्जी बनके तैयार हो गई है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।